हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा वर्किंग कैपिटल के बारे में कि वर्किंग कैपिटल क्या है और इसको किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो नेट वैल्यू है करंट एसेट्स की और करंट लाइबिलिटीज़ की। अब इसको समझने के लिए मैं आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। करंट एसेट्स का मतलब है वो रिसोर्सेज जो कि एक्सपेक्टेड किए जाते हैं रिसीव्ड होना 12 मंथ्स में, 12 महीने के अंदर जो एसेट्स को रिसीव्ड किया जाता है वो तमाम रिसोर्सेज जो है वो करंट एसेट्स में आते हैं। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ में वो लाइबिलिटीज़ आती हैं जो एक्सपेक्टेड की जाती हैं कि एक साल के अंदर पे की जाएंगी। एक साल के अंदर पे की जाने वाली लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ हैं और एक साल के अंदर रिसीव होने वाले एसेट्स करंट एसेट्स हैं। तो ये थी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ डिटेल। अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को निकाल देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना कैश फ्लो के लिए। तो ये था आपके सामने वर्किंग कैपिटल का फार्मूला और कुछ डिटेल। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।